हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति इज डू एट होम। मैं हूँ जागृति और आज की हमारी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी ट्विस्ट करके बनाई गई है एंड आई एम श्योर कि आप इसे बहुत ही पसंद करने वाले हैं। और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी रबड़ी और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। ऐसे ही ईजी रेसिपीज मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप इजीली देख पाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिएगी चीनी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, दूध, काजू बारीक कटे हुए, पिस्ता बारीक कटे हुए और बादाम थोड़े से बारीक कटे हुए और इलायची पाउडर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें दूध डाल देंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे उबाल आ गया, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो करके रखेंगे और इसको ऐसे ही उबलने देंगे और जैसे जैसे इस पे मलाई आएगी वैसे वैसे हम इसको साइड पे लगाते जाएंगे जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। साथ साथ में हम चम्मच को तले में भी चलाते रहेंगे जिससे कि दूध नीचे तले में लगे नहीं। और इसी तरह से जैसे जैसे उबाल आएगा मलाई आएगी और हम इसको साइड में लगाते जाएंगे। इस तरह से मलाई को साइड में चिपकाते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो दूध लगभग आधा हो चुका है और अब मैं साइड में लगी हुई मलाई को पुरज कर निकाल दूंगी, इस तरह से देखिए, और दूध में मिला दूंगी तो ये रबड़ी जैसे तैयार हो जाएगी। तो जो चिपकी हुई सारी मलाई को मैंने उतार लिया है और अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। तो मैं यहाँ करीब 3 चम्मच चीनी मिला दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें इलायची मिला दूंगी, बादाम डाल दूंगी, काजू और पिस्ता, और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और फाइनली जो है मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉबेरी की कटिंग। तो ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी कटिंग डाल दी है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी का हल्का सा कलर है जो रबड़ी में आ जाएगा, जिससे रबड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि रबड़ी का कलर जो है वो लाइट पिंक हो गया है और हल्की सी स्ट्रॉबेरी की खुशबू भी इसमें हो गई है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो रबड़ी हमारी एकदम ठंडी हो गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे। गिलास के किनारों पे मैं कंडेंस्ड मिल्क लगा देती हूँ और उसके बाद मैं इसे पिस्ता में डिप करूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप अपने तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो ये गिलास हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसमें रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी के ऊपर हम पिस्ता और स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही यमी बनी है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।